नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचायती राज न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। नगर पालिका बालाघाट के परिणामों की गिनती रविवार 20 जुलाई को नगर के पॉलिटेक्निक कॉलेज में की जा रही है, जिसमें एक बार फिर भाजपा ने शहर पर अपनी मजबूत पकड़ को साबित किया है। भाजपा ने परचम लहराते हुए कांग्रेस के कई दिग्गज उम्मीदवारों को बड़े अंतर से चुनाव हराया है। दूसरी तरफ निर्दलियों ने भी भाजपा और कांग्रेस दोनों का गणित बिगाड़ा है। 4 निर्दलीय उम्मीदवार विजयी रहे, जबकि अन्य निर्दलियों की वजह से ज्यादा नुकसान कांग्रेस को हुआ है, जिस कारण 33 वार्डों में से आधे वार्डों में कांग्रेस प्रत्याशी अपना चुनाव हार गए और 11 वार्ड ही जीत पाए। चूंकि अब जनता ने 18 वार्डों में भाजपा को बहुमत दे दिया है, इससे भाजपा में जश्न का माहौल है। वहीं बालाघाट भाजपा की रीढ़ माने जाने वाले कद्दावर नेता, आयोग अध्यक्ष विधायक गौरीशंकर बिसेन ने अपनी राजनीतिक पकड़ और समझ को एक बार फिर साबित किया है। अब अध्यक्ष की कुर्सी के लिए भाजपा के पास पूर्ण बहुमत है। अध्यक्ष पद के दावेदार माने जा रहे उम्मीदवारों के समर्थकों में भी हर्ष का माहौल है। बड़े ही हर्ष का विषय है कि लगातार तीसरी बार बालाघाट नगर की जनता ने जनादेश भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लेकर तीसरी बार नगर पालिका परिषद में भाजपा का कब्जा काबिज होने जा रहा है। मैं इस अवसर पर बालाघाट नगर के सभी मतदाता बंधुओं का सभी का बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। ये जीत जनता की जीत है, भाजपा की नीति की जीत है, भाजपा के नेतृत्व की जीत है, तमाम कार्यकर्ताओं की जीत है। और मैं विश्वास दिलाती हूँ कि जिस आशा और अपेक्षाओं के साथ 33 में से 18 पार्षद भाजपा के जीत कर आए हैं, तमाम 33 वार्डों में निष्पक्ष विकास कार्य होंगे और हम बालाघाट को एक अच्छा नगर बनाने में पूरा काम करेंगे।